गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर यूनिट 7 एक्सरसाइज 7A अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस, इंट्रोडक्शन बच्चे इस चैप्टर की देखिए, फर्स्ट जो टर्म आपको दिखाई दे रही है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? एक क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स, एग्जाम्पल 3 और 4। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स रहती है, तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे देखिए, वेरिएबल को एक क्वांटिटी आपको पूरा लिखना है नोटबुक के अंदर, एक क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इट कीप्स चेंजिंग। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड ए बी सी और एनीथिंग एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स। एक्स वाई जेड जो हम लिख रहे हैं, इसको हम लिटरल्स भी कहते हैं, समझ आ गया। और वेरिएबल होता क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हेन वेरिएबल्स विद कांस्टेंट आर कंबाइंड विद 4 बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एग्जाम्पल 3x + 5, 2x² - 3, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को ऑपरेशंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। नेक्स्ट देखिए, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज टर्म्स, जैसे कि एग्जांपल है 2x² - 3। अब इसके अंदर दो टर्म्स हैं, 2x² फर्स्ट टर्म, 3 सेकेंड टर्म। सपोज एक और कोई टर्म है x² - 2x + 3, तो उसके अंदर 3 टर्म्स हो जाएंगी, x² 2x और 3। अब देखिए, लाइक टर्म्स क्या होती है? लाइक टर्म्स बच्चों मैंने पहले ही बता रखे आपको, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल। देखिए एग्जांपल 3x 2x y y, जिसका वेरिएबल क्या होता है बच्चों? सेम होता है, वो आपस में लाइक टर्म्स होती हैं। जैसे आप एग्जांपल से भी देख रहे हो, x² x² y y x x, इनको हम कहते हैं टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल और लाइक टर्म्स। नेक्स्ट देखिए, पॉलिनोमियल्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ x मस्ट बी अ होल नंबर। अब बच्चों इस पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जो आपका 7A में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन भी है कि बताओ, आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देंगे कि इसमें से क्या पॉलिनोमियल है और क्या पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सी है कौन सी नहीं है, तो ध्यान से समझना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ एक्स मस्ट बी अ होल नंबर। जैसे ये पावर है, इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर होगी, वो हमारा क्या होगा बच्चों? पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो कोई भी हमको पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी, जैसे यहाँ पे इसकी टर्म्स की 2 है, इस टर्म की 3 है, इस टर्म की 4 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 4। तो आंसर हो जाएगा 4, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म। बाइनोमियल, ए मोनोमियल हैविंग 2 टर्म। ट्राइनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म। ये बच्चों एग्जांपल है इसके, 3x 4x² 5x³। मोनोमियल का, बाइनोमियल का 3x + 1 4x² + 5x, ऐसे ही ट्राइनोमियल के 4x + 5x² + 6x³। इसके अंदर एक ही टर्म है, इसके अंदर 2 टर्म है, इसके अंदर 1, 2, 3 टर्म है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 7A। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7A, टेल द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। यस, जो बच्चों आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए 3 + 2x - 5x² + 4x³। अब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं जिसमें x की पावर आपकी होल नंबर हो। देखिए यहाँ पे सभी की x की पावर होल नंबर में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में देखिए, x³ x² x, और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी सभी की सभी x की पावर हमारी होल नंबर में है, तो आंसर आ जाएगा यस।
सी पार्ट देखिए, एक्स की पावर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे रूट में है, और रूट में बच्चों मैंने पहले ही बता रखा है आपको, रूट में पावर हमेशा कैसी होती है, 1/2, एंड 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल. सो आवर आंसर इन दैट पार्ट विल बी नो, बिकॉज पावर ऑफ एक्स इन थर्ड टर्म इज नॉट अ होल नंबर. जैसे यहाँ पे पावर 1/2 है, ऐसे ही डी में देखिए यहाँ पे पावर एक्स की पावर कितनी है, -1, दैट्स वाई इट विल नॉट बी अ पॉलीनोमियल, बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इन सेकेंड टर्म इज नेगेटिव. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द डिग्री. यस बच्चों, आपको डिग्री बताया था, हाईएस्ट डिग्री कैसे निकालते हैं, देखिए -5a² b, यहाँ पे a की पावर 2 है, b की पावर 1, तो 2+1 टोटल डिग्री कितनी होगी इसकी, 3. यहाँ पे देखिए इस टर्म में 2 है, इस टर्म में 1 है, इसमें एक भी नहीं है, तो 2, 1, 0 सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है, इस टर्म की, इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 2. ऐसे सी पार्ट में देखिए 5p² + 2p - 3, अगेन यहाँ पे इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर कितनी डिग्री हाईएस्ट है, 2. तो हमको सिर्फ यही चेक करना होता है कि डिग्री हाईएस्ट कितनी है किस टर्म की, जिस टर्म की डिग्री हाईएस्ट हो वो हम आंसर में लिख देंगे, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यस, इन टर्म्स ऑफ पावर. अब हमको इस जो पॉलीनोमियल है इसको इस तरह अरेंज करना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए इन टर्म्स ऑफ पावर, पावर की टर्म्स को देखते हुए. देखिए यहाँ पे पावर कितनी है x की, 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, तो 1 सबसे पहले, फिर 1, -10x, फिर 7x³, ये आंसर हो जाएगा बच्चों. ऐसे ही एक और पार्ट करके सी पार्ट, यहाँ पे पावर कितनी है, a की 1 y की 1, 2 पावर, यहाँ b की 1 y की 2, 2+1 3 पावर होगी, यहाँ पे सिर्फ a की पावर है, यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये, देन 6ay, देन -2by². अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, एड द फॉलोइंग. और बच्चों एक बात ध्यान रखना जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखी हुई है, ओनली लाइक टर्म इज एडिड इन पॉलीनोमियल, कि जो लाइक टर्म्स होती हैं वही ऐड होती है पॉलीनोमियल के अंदर. देखिए 9pq - 5pq - 3pq - pq, सभी के वेरिएबल क्या है, pq, और लाइक टर्म्स यही कहती हैं कि जिसके वेरिएबल सेम होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स. तो हम इन चारों को आपस में एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, 9pq + -5pq + 3pq + -pq. तो देखिए क्या होगा बच्चों, 9pq + -9pq - 5pq + 3pq - pq + -, ठीक है, 9 - 4 - 4, 3 - 1 - 2, तो 4 + 2 - 6 pq will be our answer. ऐसे देखिए सी पार्ट, 3p - 4q + 4r, 2p + 3q - 8r, q - 6p + r. 3 पॉलीनोमियल है हमारे पास, तीनों को ऐड कब करना है, देखिए जैसे मैंने नीचे कर भी देखा है, 3p - 4q + 4r + 2p + 3q - 8r + q - 6p + r. अगेन अब सबसे पहला काम क्या होगा, आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, फिर थोड़ा गैप देना, फिर नेक्स्ट लाइक टर्म, फिर थोड़ा गैप देना, फिर नेक्स्ट लाइक टर्म. इससे क्या होगा, गैप देने से आपको एडिशन करने में इजी रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे कौन सा नंबर रह गया कौन सा नहीं. तो जब भी आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो, बीच में थोड़ा सा गैप दे दो, जैसे मैंने दे रखा है, फिर लाइक टर्म्स एक साथ, फिर थोड़ा सा गैप, फिर लाइक टर्म्स एक साथ, जैसे 3p + 2p - 6p मैंने एक साथ लिख लिए, 3 और 2 - 5 - 6p - 5 - 6 - 1 आ जाएगा, -4q + 3q + q, 3 + 1 - 4 - 4 + 1 - 0 आ जाएगा, 4, 8r - 4+1 - 5 - 8 - 5 - 8 - 3, तो इसका आंसर हो जाएगा -p - 3r. एक पार्ट और देखिए ई पार्ट, 6ax - 2by + 3cz, 6by - 11ax - cz, 10cz - 2ax - 3by. काम वही, सबसे पहले आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा लेना है. देखिए मैंने पहले पूरा इन सबको ऐड कर दिया, 6ax - 2by +
पूरी टर्म्स लिख ली, समझ आ गया। उसके बाद जो लाइक टर्म थी, देखिए मैंने फर्स्ट में ए एक्स वाली टर्म्स लिखी हैं सारी, फिर नेक्स्ट बी वाई वाली लिखी हैं, फिर नेक्स्ट सी जेड वाली लिखी हैं। अगर आप भी कन्फ्यूज़ होते हो तो आप इस पैटर्न से लिख सकते हैं, समझ आ गया। अलग अलग 6ax माइनस 11ax माइनस 2, अब माइनस 11 माइनस 2 माइनस 13 प्लस 6ax कितना हो जाएगा, जब पूरा सॉल्व कर लेंगे 7ax आ जाएगा। अब नीचे आइए, माइनस 2by प्लस 6by माइनस 3by माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 प्लस by बचेगा, प्लस 3 माइनस c प्लस 10, तो 10 प्लस 3 13 माइनस 1 12 cz विल बी आवर आंसर। तो ये बच्चों ई पार्ट है, इसका मैंने एक पार्ट और सॉल्व कर रखा है एच पार्ट। देखिए 7a3b माइनस 8a2b स्क्वायर प्लस 9ab एंड 1 माइनस 6ab। इसमें बच्चों ध्यान दो, सिर्फ एक ही लाइक टर्म है, a3b अलग टर्म है, a2b स्क्वायर अलग टर्म है, 9ab और 6ab ab ये सिर्फ एक ही लाइक टर्म है जो हम ऐड अप करेंगे। देखिए 7a3b माइनस ये एज इट इज़ रहेगा प्लस 9ab माइनस 6ab प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 9 माइनस 6 प्लस 3ab, तो 7a3b माइनस 8a2b स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 1 इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। यस, क्वेश्चन नंबर 5th, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलीनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलीनोमियल। यस बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में सेकंड पॉलीनोमियल में से फर्स्ट पॉलीनोमियल को माइनस करना है। देखिए 3p² माइनस 5p² सेम, जो लाइक टर्म्स होंगे वही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले आएगी, फ्रॉम द सेकंड तो सेकंड डिजिट फर्स्ट, देन माइनस 3p²। जैसे आप देख रहे हो माइनस माइनस प्लस, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। ऐसे बी पार्ट देखिए, माइनस 26p माइनस 31p माइनस 31p पहले, माइनस माइनस 26 माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस माइनस विल बिकम माइनस 31 माइनस 26 आंसर हो गया 5p। सी पार्ट देखिए इसका, 8p² प्लस 15p माइनस 1 माइनस 5p प्लस 7p² प्लस 9। ये पहले लिखी माइनस 5 प्लस 7p² प्लस 9 माइनस ऑफ ब्रैकेट में। अब एक बात ध्यान रखना, इस पूरी एक्सरसाइज में जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, बच्चों ध्यान से सुनना जो बात कह रहा हूँ, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर वाले डिजिट के निशान सभी के चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। जैसे ये 8p², ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस 15p माइनस 15p हो गया, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। कब होगा ये, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा, समझ आ गया। माइनस 5p प्लस 7p², ये माइनस ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये आ जाएगा, देन मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया, माइनस 5p माइनस 15p प्लस 7p² माइनस 8p² प्लस 9 प्लस 1, और सोल्व करके आंसर आ गया माइनस 20p माइनस p² प्लस 10। ऐसी लास्ट पार्ट देखिए, 1 माइनस a की पावर 4 एंड 3a प्लस 2a² प्लस 3a³ माइनस 4a की 4। अगेन ये एज इट इज लिख दिया माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट आएगी 1 माइनस a की 4, ब्रैकेट आएगी तो प्लस 1 माइनस का हो जाएगा, माइनस a की 4 प्लस a का 4 हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो। बाकी एज इट इज आ जाएगी डिजिट। अब माइनस 4a प्लस a की 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3a की 4, और ये है बच्चों आंसर हो जाएगा 3a प्लस 2a² प्लस 3a³ माइनस 3a की 4 माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट माइनस 6a प्लस b प्लस c प्लस 3c प्लस 8 फ्रॉम a माइनस 2b माइनस 5c माइनस 8। अगेन सब्ट्रैक्ट करना है सेम काम, फ्रॉम के बाद वाले डिजिट पहले, जैसे आप देख रहे हो नीचे a माइनस 2b माइनस 5c पहले माइनस, फिर ये ब्रैकेट में आ जाएगा सारा, माइनस 6a प्लस b, अगेन ब्रैकेट के बाद माइनस, अंदर वाले सभी के निशान सिंबल जो हैं चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। उसके बाद वही काम, लाइक टर्म्स को एक साथ, ए ए टू बी बी फाइव सी माइनस 3c माइनस 8 माइनस 8, और सोल्व करने के बाद 7a माइनस 3b माइनस 8c प्लस 16, 6 प्लस 1 7 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8
-8 -8 16 7th question देखिए what must be subtracted from this polynomial to get this polynomial हम क्या करेंगे बच्चों इसमें हम अज्यूम कर लेंगे हमने कि x नंबर को सब्ट्रैक्ट किया यस हमको ये बताना है कि इस नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर ये आ जाए तो हमने क्या किया इसमें से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आंसर ये आ जाए अब मैं क्या करूँगा इस माइनस एक्स को राइट हैंड साइड ले जाऊँगा इस पूरे पॉलीनोमियल को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा जैसे मैंने एरो से भी दिखा रखे माइनस एक्स राइट हैंड साइड ये पूरा पॉलीनोमियल लेफ्ट हैंड साइड जब ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा फिर काम वही करना है अब ब्रैकेट के बाद माइनस तो सिंबल सभी के चेंज होंगे माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस वन और फिर मैंने लाइक टर्म्स एक साथ लिख दिए और लाइक टर्म्स एक साथ लिखने के बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस थर्टीन ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट्थ बच्चों करेक्ट कर लेना ठीक है अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है पैरीमीटर हमने इसका निकालना है तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला जो आप देख रहे हो नीचे 2 इंटू एल प्लस बी पहले इन दोनों को प्लस करो फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई यही मैंने नीचे कर रखा है माइनस सिक्स पी क्यूब ये लेंथ देन ये ब्रेथ देन जो लाइक टर्म थी उसको एक साथ देखिए माइनस सिक्स पी क्यूब माइनस फाइव की क्यूब माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन प्लस सेवन पी स्क्र क्या उसकेयर प्लस नाइन पी स्क्र क्या उसकेयर नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन प्लस पी क्यू प्लस सेवन क्यू सेवन प्लस वन एट पी क्यू देन टू से मल्टीप्लाई माइनस ट्वेंटी टू पी क्यू प्लस थर्टी टू पी स्क्र क्या उसकेयर प्लस सिक्सटीन पी क्यू अब देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है ये बच्चों ट्रायंगल बना रखा है ठीक है ट्रायंगल का सिंबल है ये पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है 7x स्क्वायर माइनस 17x वाई प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 फर्स्ट साइड गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 7x वाई प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3 सेकंड साइड गिवन है 5 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 8x वाई प्लस x स्क्वायर दम अब हम क्या करेंगे इन दोनों का साइड्स को सम कर देंगे क्यों क्योंकि हमको थर्ड साइड निकालनी है जिसका फॉर्मूला होता है पैरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स अब मैं सम ऑफ टू साइड्स निकालने जा रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस एक्स 5x स्क्वायर माइनस 7x वाई माइनस 8x वाई माइनस 15x वाई प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 2 देखो बच्चों मैंने एक साथ लिख दिया लाइक टर्म्स पहले ही 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्र माइनस 7x वाई माइनस 8x वाई प्लस 4y स्क्र प्लस 6y स्क्र और सोल्व करने के बाद 5x स्क्र माइनस 15x वाई प्लस 10y स्क्र प्लस 2 सम ऑफ टू साइड्स आ जाएगी अब थर्ड साइड के लिए इसको पैरामीटर से माइनस कर देंगे 7x स्क्र माइनस 17x वाई प्लस 5 स्क्र प्लस 8 माइनस ब्रैकेट में 5x स्क्र माइनस 15x वाई प्लस 10y स्क्र प्लस 2 जब इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 17x वाई प्लस 15x वाई प्लस 5 स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 एट द एंड आंसर आ गया जो आपको नीचे दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 5y स्क्वायर प्लस 6 सो दैट्स इट फ्रॉम 7.a नाउ वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर 7th बी यस थैंक यू क्लास